नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, फैमिली फ्रेंड्स के साथ खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये फर्स्ट व्लॉग होगा हमारे 2000। बहुत अच्छी से शुरुआत की है सुबह से। आज जिस दिन ये वीडियो शूट कर रही हूँ उस दिन 1 जनवरी है और बहुत सारा काम कर चुकी हूँ और बहुत सारा मुझे आज करना भी है। अब मैं आ गई हूँ अपने टेरेस पर। धूप मैं आपको दिखाऊँ तो देखो कितनी जरा सी है, मतलब सिर्फ यहाँ से धूप है ऊपर ऊपर। और मैंने एक हेयर पैक का लगा रखा है और उसी का वीडियो शेयर किया है। तो अब देखो, अब इसकी वजह से ना मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब टेरेस पर जाते हैं, थोड़ा सा काम भी कर लेंगे और वहाँ पर एक वीडियो भी शूट कर लेंगे आप सबके लिए। तो बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, अगर आपको भी करना है तो ज़रूर अपना कोशिश करते रहिए। सक्सेस जो है हमारे पीछे ज़रूर आएगी और अगर हम कोशिश करेंगे तो किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने बहुत सारी चीज़ें की, बहुत कुछ पाया। अगर आप भी जानना चाहते हो कि लास्ट ईयर मैंने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या पाया, तो कमेंट ज़रूर करना, अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करेंगे। जिसे कहते हैं ना मन की बात, एक वीडियो उस पर शूट करेंगे कि मन की बात हो। और आप अपने भर भर कर मुझे क्वेश्चन भेजिए कि आपने क्या क्या पाया और क्या क्या पाना चाहते थे, तो उस व्लॉग में मैं सारी की सारी अपनी मन की बात आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है नॉर्थ इंडिया में, हेयर से जुड़े हुए वीडियो शूट करना इम्पॉसिबल सा हो गया है। बड़ी मुश्किल से एक वीडियो शूट किया है, वही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, 1 जनवरी को ही हुआ था सारा काम, उसके बाद की ये रिजल्ट है। तो चलिए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान तरीके से बना पाओगे आप इसको। लोहे का बर्तन ले लो, जो भी जिसके पास हो। लोहे का बर्तन लोगे तो आपके बालों को 100% काला करने में मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। देखो यहाँ पर मैंने लिया है मेथी दाना, करी पत्ता और बहुत ज़रा सा अदरक के पीस, मतलब अदरक तो हम सबके घर में इस टाइम पर है ही। तो जो भी दोनों तीनों चारों चीज़ें मैंने ली है वो सारी की सारी आपके किचन में आसानी से मिल जाएगी। इनका यूज़ आप अपने खाने में भी करो और अपने बालों पर अप्लाई करने के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर बनाओ। तो आज की रेमेडी जो है बहुत ही आसान है। आधा गिलास पानी ले लिया है मैंने और 1 चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने आंवला का जूस डाल दिया है। अगर आंवले का जूस नहीं है तो फ्रेश आंवला होगा आपके पास, इस टाइम मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वो डाल देना एक छोटा सा पीस और गैस पर रखकर इसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लेना। अगर फ्रेश भी नहीं है तो सूखे हुए जो आंवला रहते हैं वो भी डाल सकते हो, 2-4 दाने से जैसे होते हैं ना वो टुकड़े से, वैसे डाल देना। अच्छी तरीके से बॉईल कर लो, गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखना, हाई बिल्कुल भी मत करना। अच्छी तरीके से जब आप इसको पका लोगे तो कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा। जिनको भी अपने बालों को काला करना है उनके लिए बेस्ट रेमेडी है, जिनको अपने बालों को लंबा करना है उनके लिए तो 100% ये रेमेडी बहुत ही अच्छी है। क्योंकि मैं लगातार पिछले 4-5 सालों से इसी तरह की होममेड रेमेडी यूज़ कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे बाल जो हैं वो लंबे तो हो ही रहे हैं, साथ में उनका कालापन जो है वो भी बरकरार है। बहुत जैसे कि मैं अब 40+ हो गई हूँ तो इस टाइम पर बहुत से लोगों की आधे से ज़्यादा जो हेयर होते हैं वो वाइट हो जाते हैं, लेकिन मेरे बहुत कम है। ऐसा भी नहीं कि है नहीं, है, बहुत कम है। तो आप इसको, इन सबको यूज़ करोगे तो आपके भी हेयर मेरे जैसे ही हो जाएंगे। तो देखिए मैंने छान लिया है इसको अच्छी तरीके से। अब देखो हमने आधा ग्लास के करीब पानी चढ़ाया था तो 3-4 चम्मच बच गया है, उतना मैंने इसको पकाया है। तो आप सबको भी इतना ही पका लेना है। अगर आप चाहो तो इसे ज़्यादा भी बना कर रख सकते हो, जैसे कि मैं इसको हफ्ते में सिर्फ 1 बार यूज़ कर रही हूँ, आप हफ्ते में 2 से 3 बार भी यूज़ कर सकते हो। गर्मियों में अगर यूज़ करोगे तो रोज़ यूज़ कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको यूज़ करने के बाद आप चाहो तो हेयर वॉश कर सकते हो या फिर 2 से 3 दिन के बाद कर लेना। यहाँ पर एक मैंने विटामिन ई का कैप्सूल इसमें ऐड किया है, ये आपके पास नहीं है तो आप बादाम का तेल जो होता है वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद, अगर आपके पास बादाम का तेल भी नहीं है तो आप जो ऑलिव ऑयल होता है वो भी 1/2 चम्मच के करीब डाल सकते हो। जिनके हेयर ड्राई हैं वो थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और इसको एप्लीकेशन के बाद आप वॉश कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बेटी के स्कूल में था एनुअल डे का फंक्शन। तो यहाँ पर एनुअल डे का जो फंक्शन था उसमें हमारे एरिया के विधायक जो हैं वो आए थे, आम आदमी पार्टी के। तो विधायक जी यहाँ पर बहुत अच्छा सा अपना जो भाषण है वो दे रहे थे और क्या क्या उन्होंने इस एरिया में किया है वो भी बता रहे थे। हर साल मैं जाती हूँ अपनी बेटी के एनुअल डे का फंक्शन जो होता है, ताकि मैं सबको देख सकूँ क्या बच्चे क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं और मेरी सिस्टी में क्या उसको और करना चाहिए ताकि उसका डांस या प्ले अच्छा हो सके। लास्ट ईयर उसने प्ले किया था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे डर लग रहा था कि वो रुक जाएगी अटक जाएगी, लेकिन नहीं, इस बार भी उसने अच्छा किया और डांस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया, हालांकि मुझे डर लग रहा था इस बार भी। यहाँ पर देखिए ये 6th क्लास का है, जैसे कि मुझे बेटी ने बताया 6th क्लास का डांस परफॉर्मेंस चल रहा है यहाँ पर। मुझे इनकी ड्रेस कुछ अजीब सी लगी, मेरी बेटी को भी अजीब सी ही लगी, तो आप बताना इनकी ड्रेस आपको कैसी लगी। हालांकि इन्होंने डांस और गाना जो चूज़ किया था अच्छा था
और बहुत से लोगों ने इसमें बहुत सारी मेहनत की थी। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि ज़्यादा लंबा ना बन जाए, आप सबको देखने में बोरियत ना हो। लेकिन ये डांस जो उन्होंने किया था बहुत अच्छा था, और आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन ये एनुअल डे का फंक्शन था उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, मतलब सूरज देवता मुझे ऐसा लगता है कि उसी दिन से गायब हो गए थे दिल्ली में निकलना, और बहुत ज़्यादा ठंड थी। फिर भी सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, सभी ने बहुत अच्छा डांस किया। और आगे जो ये नेक्स्ट वीडियो दिख रहा है आपको सामने, इसमें बेटी डांस कर रही है लेफ्ट हैंड की तरफ, सेंटर की तरफ जो खड़ी है वो मेरी ही बेटी है। तो आप देख सकते हो डांस जो था उसने अच्छा दिया, मुझे बहुत डर लग रहा था कि वो एक आधा स्टेप ना भूल जाए, लेकिन वो दिन रात मेहनत कर रही थी जिसकी वजह से उसका डांस में बिल्कुल भी कुछ कमी नहीं हुई, उसने बहुत अच्छा किया। हालांकि जो हमारी स्कूल के प्रिंसिपल है उन्होंने भी कहा कि डांस बहुत अच्छा हुआ, और आप बिलीव नहीं करोगे ये जो ड्रेस है ना इनकी लास्ट टाइम पर फाइनल हुई, कि हफ्ते दर हफ्ते ड्रेस इनकी चेंज हो रही थी, रिहर्सल होती थी फिर चेंज हो जाती थी, फिर कुछ ना कुछ कभी कमी हो जाती थी। मुझे खुद को एंड मतलब टाइम तक ऐसा लग रहा था कि पता नहीं फ़ोन करके क्या बोलेंगे कि ड्रेस में ये चेंज हो गया है वो चेंज हो गया, लेकिन फाइनली ये डांस भी कम्प्लीट हो गया और ड्रेस भी फाइनल हो गई थी। हर जगह हमारे विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया था, तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन हासिल किया इन्होंने योगा जोनल कंपटीशन में सब जूनियर कैटेगरी में। यहाँ पर आपने अभी सर की आवाज़ सुनी होगी, सिस्टी के स्कूल में जो योगा कंपटीशन होता है उसमें ना सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड जो नेशनल लेवल पर होता है ना परफॉर्मेंस, उसमें इसी स्कूल ने सारे के सारे प्राइज जीते थे, और ये वाला डांस बहुत अच्छा था, मतलब कि क्या बताऊँ इतना अच्छा डांस था। ये डांस दो बार हुआ था और सब बहुत इंजॉय कर रहे थे कि आखिरकार ये बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कपड़े आजकल देखने को बहुत कम मिलते हैं। और एंड में आप बिलीव नहीं करोगे कि ये सारे के सारे बच्चे स्टेज से उतरकर नीचे उतरे और भागते हुए चले गए। इस सबको देखकर बहुत से जन डर गए थे, मैं खुद डर गई थी कि पता नहीं क्यों ये नीचे उतर गए हैं। You have really done very well. I'm so glad and so thrilled. एंड में दोस्तों प्रिंसिपल मैम ने सभी की सराहना की कि बच्चों ने सभी ने बहुत अच्छा किया है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत भीड़ थी आज यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों ये है लगभग 4 या 5 बजे उस टाइम है ये जब मैं बच्चों के साथ अपना न्यू ईयर जो है फर्स्ट डे मतलब 1 जनवरी का जो है डे वो मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। किस तरह से एक छोटी सी पार्टी की थी मैंने इन सारे बच्चों के साथ, और बहुत सारे गेम वगैरह खिलाए, डांस करवाए, जो जिसको आता है वो सब कुछ करवाया, सबको मस्ती करवाई, थोड़ा सा खाना पीना भी करवा दिया। आप छोटी सी बच्ची देखो पार्टी के नाम से ना बहुत खुश होती है ये, और स्पेशली पार्टी के नाम से ये इस तरह से तैयार होकर आई थी कि मुझे पार्टी करनी है। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा मुझे लगा ये फर्स्ट डे इन सबके साथ सेलिब्रेट करके, और सभी बच्चों ने खूब इंजॉय किया। और यहाँ पर मैंने सारा का सारा काम किया आज जो कुछ मुझे करना चाहिए था, और ये देखिए एनुअल डे की टीम जो है वो दोबारा से मैंने लगा दी, कितनी भीड़ थी आप सबको दिखाने के लिए। मैंने देखते हो यहाँ पर ब्यूटीफुल से फ्लावर खिले हैं, ये देखिए ये वीडियो मुझे नहीं पता किस दिन आएगा, और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। और आज मैं आ गई हूँ गार्डन में साफ़ सफाई करने के लिए, जिस दिन ये वीडियो शूट कर रही हूँ उस दिन है 1 जनवरी, और इस दिन मैं पूरा सोचती हूँ कि जो जो काम मुझे करने हैं अपनी लाइफ में वो सारे काम मैं निपटाऊँ, मतलब आज के दिन में सारे के सारे काम करती हूँ जो मुझे पूरे साल करने हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, आगे भगवान की मर्ज़ी वो क्या करवाना चाहते हैं। वैसे अगर मैं आप सबसे पूछूँ, वैसे तो एक शॉर्ट वीडियो होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर हो गया है लॉन्ग, तो अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आप सबका लास्ट ईयर कैसा गया तो ज़रूर मुझे बताएं। और देखिए अब ये समझ आ रहा है कि हमारे किस चीज़ का प्लांट है, ये है हमारा, सोच के बताइए, मूली जी हाँ। तो अगर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं कि मेरा लास्ट ईयर कैसा गया है, बहुत अच्छा गया है, जो जो मैंने सोचा था सब हुआ, और इस साल भी जमकर मेहनत करेंगे और जो जो पाना चाहते हैं वो सब कुछ पाकर ही रहेंगे। तो चलिए भाई मैं अपने गार्डन की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, और तो चलिए कोई बात नहीं काम तो हमें करना ही है। पर ये देखो घूम फिर के मेरी नज़र यहीं आती है, ब्यूटीफुल से फ्लावर खिले हुए हैं ये देख सकते हो आप, और अगर आपने ये प्लांट नहीं लगाए हैं तो प्लीज़ ज़रूर लगा लो। और अगर आपको इस तरह की ब्यूटीफुल सी फ्लावरिंग चाहिए तो इसका वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कि मैंने उसमें क्या क्या बताया।